एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम अयोध्या के निरंतर मंदिरों का दर्शन कराते जा रहे हैं आपको। तो आज हम फिर से एक बार आए हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर, जिसे कि हनुमानगढ़ी बोला जाता है। अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो गंगा प्रसादम करके दुकान का नाम है, और यहाँ से आपको लड्डू जो मुख्य यहाँ का प्रसाद है वो आप लेके चढ़ा सकते हैं। बाकी और भी आपको यहाँ पे मिठाइयाँ मिल जाएंगी, परंतु यहाँ पे सिर्फ लड्डू ही चढ़ता है, तो आप लड्डू लेके चढ़ा लीजिए। यहाँ पे सीढ़ियों की संख्या 76, इसीलिए हमें 76 सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। यह अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर भी माना जाता है। जैसा कि हमने बोला था कि इस वक्त हम मंदिर के अंदर चलेंगे, टोटल यहाँ पे 76 स्टेयर्स को चढ़ के हम मंदिर के अंदर आ जाते हैं। और मंदिर में यहाँ पर एकमात्र प्रसाद चढ़ता है, जो कि बेसन के लड्डू होते हैं। और पूरे भारत में बोल सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हनुमान जी बाल रूप में मौजूद हैं, जो कि काफ़ी छोटे आकार में आपको देखने को मिलते हैं, और अपनी माता की गोद में बैठे हुए हैं, अंजना माता की गोद में। तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आइए और इस मंदिर का दर्शन करिए। मंदिर काफ़ी ज़्यादा भव्य है, आपको अंदर इसकी खूबसूरती भी देखने को मिलेगी। इसकी दीवारों को जब आप देखेंगे तो आप इसकी दीवारों को देखकर एक बार आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि दीवारें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और बेहद ही रंगीन दीवारें आपको जैसे कि देखने को पीछे हमारे मिल रही होंगी। तो एक बार ज़रूर आप आइए, इस मंदिर का दर्शन करिए। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद राम जी जब अयोध्या आए थे तो हनुमान जी के रहने के लिए स्थान दिया था। यह मंदिर 52 बीघे में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है राम जी के दर्शन करने से पहले हमें हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। यह मंदिर 10वीं शताब्दी का है। पहले सबसे इसका निर्माण विक्रमादित्य राजा ने करवाया था, उसके बाद अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर एक टीले के ऊपर हुआ करता था, और बोला जाता है अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर भी यही है। अभी हम आपको ऊपर से भी दिखाएंगे इस मंदिर को। बोला जाता है अयोध्या में आपको इस मंदिर में हनुमान जी साक्षात रूप से देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था कि यह अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर है, तो आप देख सकते हैं हम इस वक्त मंदिर के सबसे ऊंचाई वाली छत पे खड़े हुए हैं, और यहाँ से आपको पूरे अयोध्या का दृश्य देखने को मिल रहा होगा। और ऐसा बोला जाता है कि अयोध्या फैजाबाद की सबसे ऊंची इमारत में से इसी का नाम आता है। इससे ऊँची इमारत अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो राम मंदिर बनने के बाद सबसे ऊँची इमारत राम मंदिर की होगी, परंतु तब तक यह मंदिर सबसे ऊँचे मंदिरों में गिनती में आता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा भव्य दृश्य यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर देखेंगे दूर दूर तक आपको अयोध्या का दृश्य देखने को मिलेगा। यहाँ के सुंदर नज़ारे आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
जैसा कि अभी हमने आपको मंदिर का दर्शन कराया, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और आगे जुड़े रहने के लिए हमसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।